हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश, आज हम आपको बताने वाले हैं लेटेस्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि रेलवे एसएससी पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर ये सभी क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योगों में किसके द्वारा बाधा पड़ती है? ऑप्शन है, अत्यधिक जनसंख्या, निरक्षरता एवं अधिक जनसंख्या, निरक्षरता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा निरक्षरता और अधिक जनसंख्या। निरक्षरता और अधिक जनसंख्या से अज्ञानता और भूजोत छोटी होने के कारण कृषि की पैदावार कम होती है और कुटीर उद्योग में बाधा पड़ती है। निरक्षरता से जानकारी और कार्य कुशलता का अभाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन है? ऑप्शन, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ये ऑलरेडी बहुत बार हमने आपको क्वेश्चन में, प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। इसका ऑप्शन पहला केरल होगा। काजू उत्पादन से संबंधित सबसे आगे वाला तीन राज्य हम आपको बता रहे हैं जो कि 2011-12 के आंकड़े के अनुसार है, वो महाराष्ट्र जो है काजू उत्पादन में, महाराष्ट्र इसमें तो नहीं है, महाराष्ट्र जो है सबसे आगे है 223,000 टन। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है सबसे आगे केरल है, ठीक, केरल के बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा है काजू उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो अभी हमने बताया इसमें जो है सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, केरल, असम, आंध्र प्रदेश। हमने आपको बताया मध्य प्रदेश में भी ज़्यादा होता है, केरल में भी होता है, और ये जो है आंध्र प्रदेश में भी होता है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है उत्पादन? सबसे ज़्यादा केरल में होता है। इसमें केरल ऑप्शन है तो आप केरल लगाएंगे, अगर केरल ऑप्शन नहीं दे दे, कोई और दे दे, तो आप आंध्र प्रदेश लगाएंगे, ठीक। आंध्र प्रदेश भी नहीं है तो महाराष्ट्र रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ भी पैदावार होता है काजू का, यहाँ भी होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है, उड़ीसा चौथे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी की रचना समानतया किस प्रक्रिया द्वारा होती है? ऑप्शन है, अपरदन, निक्षेपण, निरावरणीयकरण और अपक्षयन। इसका सही आंसर हो जाएगा निक्षेपण द्वारा होता है। मिट्टी का संरचना जो है समानतः निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा होती है। वर्षा एवं वायु द्वारा कठोर चट्टाने टूटकर मिट्टी का निर्माण करता है, तो उसको निक्षेपण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पौधा तना छिद्रक कीट के खराब रूप में प्रभावित होता है? ऑप्शन है, गन्ना, आम, धान, नारियल। इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ना का तना जो है छिद्रक से गंभीर रूप से प्रभावित होता है। गन्ने की सुंडी गन्ने के तने में प्रवेश कर फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यान कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? ऑप्शन है, विषुवतीय, भूमध्य सागरीय, मानसून और टुंड्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय। उद्यान कृषि के अंतर्गत जो है मुख्यतः फल, सब्जियां और पुष्प उत्पादन संबंधी कार्य होते हैं। उद्यान कृषि हेतु भूमध्य सागरीय जलवायु आदर्श परिस्थितियां बनाते हैं, और इसका आंसर भूमध्य सागरीय ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है, ये गाद निक्षेप में समृद्ध होती है, इनमें जल का प्रभाव 12 मासी होता है, यानी 12 महीने होता है, और यह मुख्यतः जो है वर्षा जनित है, और ये नाव चलाने के लिए उपयुक्त है। इसका सही आंसर हो जाएगा
बी। ये जो है भारतीय अपवाह प्रणाली का जो है तीन भाग है। पहला भाग है हिमालय नदी, हिमालयी नदी, मैं लिख देता हूँ इसका तीन भाग जो है किसका है, अपवाह प्रणाली, अफवाह प्रणाली का जो है तीन भाग है। पहला है हिमालय, हिमालयी नदियाँ, और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ, और तीसरा है आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदियाँ। ये जो हिमालय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ जो है हिम नदों से निकलने के कारण 12 महीने है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश नदियाँ जो है वर्षा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का मैदान का एक उदाहरण कौन सा है? कौन सा गंगा का मैदान का उदाहरण है? ऑप्शन है संरचनात्मक मैदान का, निक्षेपित मैदान का, हिमानी धौत मैदान का, और अपरदित मैदान का। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, निक्षेपित मैदान का। गंगा का मैदान जो है मिसिसिपी के मैदान, मिसिसिपी और यांग टी सी क्यांग के मैदान, और जो है होवांग हो के मैदान इत्यादि निक्षेपित मैदान के उदाहरण है। इसका निर्माण जो है नदियों द्वारा लाए गए मलबा के निरंतर जमा होने के कारण होता है, जमा होने से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। इसका सही आंसर है डी, नर्मदा। थोड़ा विस्तृत जानकारी जान लेते हैं इसमें। नदियों में से जो है नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर लगभग, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और निकल के जो है ये 1312 किलोमीटर दूरी तय करती हुई, और खंभात के खाड़ी में यानी अरब सागर, इतना दूरी तय करने के बाद जो है ये अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? दोस्तों इसमें ध्यान रखना है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसको हम अलग कर देंगे तो हमारा आंसर सही होगा। हमको सिर्फ याद रखना है कि कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वही याद रखना है हमें। इसमें ऑप्शन दिए, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी नहीं गिरती है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन है महानदी, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा। ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी और भी नदी है कुछ, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि ताप्ती नदी जो है, ये ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बल्कि ये जो है अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पूछ देगा अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है, तो आपको नर्मदा नदी अभी हमने बताया अमरकंटक से निकलकर नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है इतना किलोमीटर तय करने के बाद, और यहाँ पे दूसरा है ताप्ती नदी भी गिरती है। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है आपको ध्यान में रखना है, महानदी गिरती है, गोदावरी नदी गिरती है, और जो है कृष्णा नदी गिरती है, कावेरी नदी गिरती है। ठीक, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन बताएं, इसमें से कौन सा गलत है वो हमें बताने का है। कौन सा क्वेश्चन गलत है? ऑप्शन है कॉस्मिक उसका वर्णन करता है जो बाह्य अंतरिक्ष में स्थित या घटित होती रहती है या हो रही है। ठीक, कॉस्मिक, कॉस्मिक किसका वर्णन करता है ये, ठीक अभी हम बताते हैं आपको डिटेल में। और दूसरा है स्थल मंडल जो है पृथ्वी के शीर्ष भूपटल है जिसमें भूमि सतह तथा सागर तल सम्मिलित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी की संरचना में जो है सिलिकॉन द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव है। नेक्स्ट है एक सहायक नदी वह नदी होती है जो मुख्य नदी को सोख लेती है एवं पृथक रूप में बहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो इसमें असत्य मतलब गलत यही है। ठीक, ये आंसर होगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये कॉस्मिक उसका वर्णन करता है जो बाह्य अंतरिक्ष में स्थित एवं घटित होती रहती है। दूसरा है स्थलमंडल पृथ्वी का शीर्ष भूपटल है जिसमें भूमि सतह तथा सागर तल सम्मिलित होता है। तीसरा है पृथ्वी की रचना में जो है सिलिकॉन द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव है। और इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा, ये जो है सहायक नदी जो है मुख्य नदी को सोखती नहीं है, उसमें जो है मिलकर स्वयं अपना अस्तित्व समाप्त कर लेती है, वो सहायक नदी होती है। यह मात्र अपने उद्गम स्थल से मुख्य नदी से मिलने के पहले तक ही पृथक रूप से बहती है। ठीक, तो ये उल्टा दे दिया है, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान नहर का नया नाम क्या है। ऑप्शन गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, जवाहर नहर, सुभाष नहर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान नहर जो है पंजाब में सतलज नदी पर स्थित हरी के बैराज यानी पंजाब से निकाली गई है। सिंचाई के लिए जो है निर्मित राजस्थान पंजाब हरियाणा की यह संयुक्त परियोजना का अब नया नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी से राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। देखिए एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा आंसर आप दे सकते हैं, रावी, चंबल, सतलज और ब्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है। इसका ऑप्शन है कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये जो है वैसे कावेरी नदी के पानी को लेकर मुख्य रूप से तीन राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच विवाद है। तीन राज्य कौन कौन सा है, वो तीन राज्य है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल भी है, केरल तथा संघ शासित प्रदेश जो है पुडुचेरी भी है। ठीक, लेकिन विवाद के मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ही है इसका मेन रीजन विवाद का। ठीक, मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है, इसका आंसर हमें नीचे कमेंट करके अभी के अभी दीजिए। ऑप्शन है नर्मदा, साबरमती, कावेरी, कृष्णा, इसमें से कौन सा सही है नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है नीचे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।